नमस्कार, मैं हूं एसपी पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप वर्ल्ड। अब समाचार विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन कर आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। इस मौके पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद मिश्र ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते यह छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है, बाद में बड़ी सभा की जाएगी। कहा कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, हम उन्हें मंदिर बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। कहा कि हमारी पार्टी का लक्ष्य ब्राह्मणों को सम्मान दिलाना है। ब्राह्मण 13% है जो कि एकजुट नहीं हो पा रहा है। जब ब्राह्मण एकजुट होंगे तभी उनको उनकी असली ताकत मिल पाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह 13% ब्राह्मण व 23% दलित एक हो जाएगा तो बसपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहा कि सरकार रहते हमने 2200 ब्राह्मणों को सरकारी वकील बनाया। बसपा सरकार में ब्राह्मण अधिकारियों को उचित तैनाती भी दी गई। बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने सम्मेलन के पहले रामलला व हनुमान जी तथा सरजू माता का पूजन अर्चन किया तथा संतों से मुलाकात भी की। पेश है कार्यक्रम की कुछ झलकियां। नागरिक तिवारी जी मुख्यमंत्री बहुत गदा भेंट करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती रागनी तिवारी जी से, श्री मोहन वाजपेयी जी से, श्री राम नगर शुक्ला जी से, कृपया मंच पधारने की कृपा करें।